दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक साइको का कैरेक्टर किया था और आज के वीडियो में हम एक पागल का कैरेक्टर हम लोग देखने वाले हैं। और कैरेक्टराइजेशन जो है ना, वो भी इम्प्रोवाइजेशन का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब हमें कुछ परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर बताया जाता है। और इसीलिए हमने ये जो कैरेक्टराइजेशन का जो टॉपिक है वो इम्प्रोवाइजेशन के अंदर ही रखा है। तो जैसा कि हमने बोला, हम एक पागल का कैरेक्टर हम लोग करने वाले हैं। तो पागल कैसे सोचता है, पागल क्या करता है? तो भाई, पागल तो मींस उसका अपना कोई सोच विचार नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होते, कोई रीजनिंग नहीं होता। जैसा हमने साइको का बताया था कि उनके अपने अलग लॉजिक होते हैं, अलग रीजनिंग होती है, वो अलग ढंग से सोचते हैं। पागल वो तो कुछ भी नहीं सोचता, क्या करना है, कैसे करना है, कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। और जब भी जैसे कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है, हमें परफॉर्म करना है, तो सबसे पहली चीज है वो हमें कैरेक्टर बताया जाता है। जब भी आपको कहीं से शूटिंग के लिए या ऑडिशन के लिए फोन आता है तो सबसे पहली चीज वो बोलते हैं कि सर ये कैरेक्टर है, वो आपको फोन पे बता दिया जाता है। सिचुएशन जब हम शूट पे पहुंचते हैं, सेट पे पहुंचते हैं, तब हमें बताई जाती है, बट कैरेक्टर हमें पहले ही बता दिया जाता है ये कैरेक्टर है, आप करेंगे कि नहीं। और कैरेक्टराइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो है एज एन एक्टर, हमें एक कैरेक्टर दिया जाता है जिसके हिसाब से हमें फील करना होता है, महसूस करना होता है। और दुनिया में हजारों लाखों कैरेक्टर हैं, जितने इंसान हैं उतने कैरेक्टर हैं, अनलिमिटेड। और हर कैरेक्टर को यहाँ क्लास में परफॉर्म करना या सीखना पॉसिबल नहीं है, बट किसी कैरेक्टर को कैसे फील करना है, कैसे उसको उसकी थॉट को प्रोसेस के हिसाब से सोचना है और उसकी सोच को अपने दिमाग में रख के उस कैरेक्टर के हिसाब से फील करके उसको कैसे परफॉर्म करना है, वो हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किसी कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए तीन स्टेप होते हैं। पहला, नो अबाउट द कैरेक्टर, कैरेक्टर के बारे में जानिए, फील लाइक द कैरेक्टर, कैरेक्टर के जैसा फील कीजिए। उसके बाद लास्ट है बिहेव लाइक द कैरेक्टर, और हमें यही करना होता है। और बाकी तो जैसे कैरेक्टर हमें बाहर सोसाइटी में बहुत मिलते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। तो अभी हम ये एक पागल की एक दो परफॉर्मेंसेस हैं, हम ये देखते हैं और फिर हम बात करेंगे क्या है कैसे। Hey.
हाँ नवीन जी सर, ये जो तुमने पागल का एक्ट किया, क्या सोच के किया था, कैसे किया तुमने? सर सबसे पहले तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर को चूज किया था जिसे मुझे पता भी नहीं था कि मुझे करना क्या है। एक पागल क्या कर सकता है, इधर जाता था, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी सुन रहा हो फिर कभी डर रहा हो, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करता। इस समय मैं खुद नवीन नहीं था, मैं वो कैरेक्टर था, उसको फील किया और जैसे एक पागल करते हैं वैसे ही मैंने हूबहू किया। मतलब कहने का मतलब भाई, पागल कुछ नहीं सोचता तो तुमने भी कुछ नहीं सोचा। सर मैं बिल्कुल उस समय पागल ही था। हाँ, जैसे पागल बिना सोचे समझे क्योंकि करता है। सर जब तक मैं अपने आप को पागल नहीं समझूंगा तब तक ऑडियंस को मैं फील नहीं करा सकता कि मैं एक पागल। तो अब ये देखा आपने, पागल की परफॉर्मेंस हमने देखी और नवीन ने बताया कि उसने कैसे किया। और अमर का भी वीडियो है, ये दूसरा वीडियो अमर का है, बट अमर अभी हमारे साथ है नहीं। अच्छी परफॉर्मेंस थी इसलिए हमने इसमें ऐड किया। साइको में भी हमने इसीलिए ऐड की कि परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी ऐड करने लायक, इसलिए हमने ऐड कर दी। तो देखा आपने कैसे नवीन ने बताया कि भाई पागल कुछ सोचता नहीं, तो उसने भी कुछ नहीं सोचा। पागल कहीं भी कैसे भी मूव करता तो वो बिना सोचे समझे वैसे ही मूव कर रहा था। मन कर रहा था तो हंस रहा था, मन कर रहा था तो रो रहा था, तो जो उसके जैसा दिमाग में आ रहा था वैसा कर रहा था। तो हमें भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है लोगों को। कैरेक्टर्स जो है हमें सोसाइटी में ही मिलेंगे, हमारे आसपास मिलेंगे, बहुत कैरेक्टर्स मिलेंगे हमारे आसपास। जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, हर इंसान का एक अपना कैरेक्टर होता है, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, हंसने का तरीका। आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, कौन कैसे बात करता है। एक पुलिस वाला जब ट्रैफिक पुलिस वाला सिग्नल पे किसी को पकड़ता है, उसका चालान काटता है, तो कैसे बात करता है। एक डॉक्टर एक पेशेंट को जब चेक करता है तो कैसे बात करता है। बहुत कैरेक्टर मिलेंगे जब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे ना, तो कैरेक्टर्स और सिचुएशंस इतनी मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब आप ये ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे लोगों को देखना, तो जो आधा जो पार्ट है इनका 50% जो पार्ट है वो आपका ऑब्जर्वेशन से कवर होगा। और जब ऑब्जर्व
सिचुएशन होगा तो फिर हमें बहुत कैरेक्टर्स हमारे अंदर, कैरेक्टर्स की फीलिंग हमारे अंदर आएगी और नए नए किरदार हम निभाने के लायक हम हो सकते हैं. उससे बहुत सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन सीखने को मिलती हैं. और एज एन एक्टर जब हम एक्टिंग करना शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कैरेक्टर को समझना और उस कैरेक्टर में जाना. तो मीन्स कैरेक्टराइजेशन एक एक्टर के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो आप इसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास सोसाइटी में, ऑब्जर्व कीजिए लोगों को, ऑब्जर्व कीजिए देखिए कौन कैसे बिहेव करता है, पुलिस वाला कैसे बिहेव करता है, डॉक्टर कैसे बिहेव करता है, एक बनिया दुकानदार कैसे बिहेव करता है. आपको बहुत कुछ मिलेगा. और एज एन एक्टर जब हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं तो आप ये मान के चले कि हमारा मोर देन 50% हमारा काम हो जाता है. मोर देन 50% हम सक्सेस की तरफ हम अपना कदम बढ़ा लें. तो इस तरह से आप अपने आसपास के सोसाइटी में ऑब्जर्व कीजिए, कैरेक्टर्स को देखिए, उनके जैसा फील करने की कोशिश कीजिए, उनके जैसा बिहेव करने की कोशिश कीजिए. और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको धीरे 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 जो ये कैरेक्टराइजेशन का जो सेंस है, कैरेक्टर में जाना है, कैरेक्टर धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करने बहुत मदद मिलेगी.